Hi friends, this is Rajesh Gautam and you are watching my YouTube channel Moto Sound with the another vlogs. तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कम्युनिटी बॉक्स में एक वोटिंग कराया था कि आपको किस तरह के वीडियोस देखने हैं, किस तरह का आपको वीडियो देखना पसंद है यामा RX 100 के बारे में. तो मैंने ऐसे कुछ चार पांच टॉपिक्स लिखे थे, जैसे कॉइल प्लेट पे था, मैग्नेट एंड कॉइल प्लेट पे था, माइलेज पर था और इंजन नॉइस एंड परफॉर्मेंस पर था. तो इंजन नॉइस और परफॉर्मेंस पर मुझे सबसे ज़्यादा वोट आए, 46%. चलिए जिस पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है उस पर हम वीडियो करेंगे, मतलब इंजन परफॉर्मेंस और नॉइस पर. तो सबसे पहला जो साउंड होता है वो होता है पिस्टन का साउंड. जब भी आपका पिस्टन या सिलेंडर किट चिपक जाती है, सीज हो जाती है, तब भी पिस्टन साउंड मारने लगता है. यदि पिस्टन सिलेंडर किट में ढीला हो जाए, यानी सिलेंडर किट और पिस्टन के बीच में गेप आ जाए, पिस्टन रिंग खराब हो जाए, तब भी आपकी गाड़ी साउंड मारने लगती है. तो पिस्टन का साउंड एक अजीब सा ब्लॉक में साउंड आता है, गड़गड़ 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 की आवाज़ें आती हैं और काफ़ी नॉइस करता है. ये भी ऐसा लगता है हमारे इंजन से साउंड आ रहा है लेकिन आ रहा पिस्टन से होता है. जब हमारा सिलेंडर किट सीज हो जाता है, पिस्टन सीज हो जाता है, तब हमारी गाड़ी ओवर हीट होती है. ओवर हीट होने से हमारे बेरिंग भी जो है ऑयल बिना ऑयल के चल जाते हैं और वो भी ड्राई चल जाते हैं, तो उनमें भी साउंड आ जाता है. तो उनमें भी एक झन्नाट सा साउंड आता है, जैसे भन भन साउंड. जैसे ही हम रेस करते हैं गाड़ी तो हमारा इंजन एक टाइप का सीटी मारे जैसा साउंड करता है, हल्का हल्का सीटी और चूड़ियों जैसा साउंड कह सकते हैं हम, जो रिंग और पिस्टन और वो बेरिंग का आवाज़ होने लगता है. तो इस कंडीशन का साउंड जो होता है वो आपके सिलेंडर किट और आपके बेरिंग्स का साउंड है. तो पहले हमने बात की कि पिस्टन का साउंड, पिस्टन जब भी खराब होगा, रिंग खराब होगी, सिलेंडर किट खराब होगी, पिस्टन ढीला होगा, तो एक गड़गड़ गड़गड़ सा आवाज़ आपके सिलेंडर किट में आएगा. और दूसरा साउंड होता है कि जब हमारी गाड़ी सीज हो जाती है, तो सीज होने से हमारे बेरिंग ड्राई चले जाते हैं, तो ड्राई चलने की वजह से वो भी साउंड मार देते हैं और उनका साउंड हल्का सा सीटियों जैसा, चूड़ियों जैसा उनका साउंड आने लगता है. इस तरह से आप इन दोनों साउंड से आप समझ पाएंगे कि हमारी गाड़ी में कौन सा नॉइस आ रहा है और कौन सा नहीं. कई बार ये होता है कि ब्लॉक से साउंड आ रहा होता है, सिलेंडर किट में पिस्टन का साउंड होता है और लोग क्लच बेल खोल देते हैं. तो क्लच बेल का भी साउंड और सिलेंडर किट के साउंड को कैसे रेक्टिफाई करना कि कौन सा क्लच बेल का है, कौन सा सिलेंडर का है, सिलेंडर किट का, पिस्टन का है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा, परफेक्टली बताऊंगा कि कैसे हम पता करें कि हमारा क्लच बेल साउंड कर रहा है या हमारा सिलेंडर किट साउंड कर रहा है. तो पहले तो हमने बात कर ली सिलेंडर किट के साउंड की, जो पिस्टन मारता है, जो गड़गड़ाहट सी आवाज़ होती है. दूसरी हमने बात कर ली हमारे बेरिंग्स की, जो क्रैंक केस में लगे होते हैं. तीसरा होता है क्रैंक का साउंड. क्रैंक का साउंड जो होता है ना, वो साफ साफ समझ में आ जाता है कि अब क्रैंक ने साउंड मार दिया. जब क्रैंक ऐसा ढीला होगा, इस तरह से ढीला होगा, तो नहीं आएगा साउंड. जब उसकी ऐसी चाल आ जाएगी, खड़ी चाल, तो उसमें टक 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 इस टाइप से आवाज आने लगेगी. जब भी आप गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी टक 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 ऐसी जैसे किसी चीज से टकरा रही हो, नॉकिंग जैसी आवाज आने लगेगी, तो समझ लीजिए कि आपका क्रैंक ने साउंड मार दिया है. ये साउंड जो है वो क्रैंक का है. और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड होता है आपके ये क्लच बेल असेंबली का. मैं आपको बता दूं, इसको प्राइमरी गियर बोलते हैं, इसको क्लच बेल असेंबली बोलते हैं. ये प्राइमरी गियर और ये क्लच बेल असेंबली इस तरह से चलता है. ये क्रैंक पे प्राइमरी गियर कसा हुआ होता है और ये जब क्रैंक घूमता है तो ये आपके क्लच बेल असेंबली को घुमाता है. अब जनरली ये कभी खराब होता नहीं है. ये किस तरह से साउंड मारता है मैं आपको बता दूं. जब भी कोई मैकेनिक इसको खोलता है, विदाउट कूलर लगाए खोलता है, या तो यहाँ पेचकस फंसा देगा या कोई चीज से रोकेगा और फिर नट को खोलेगा, उस कंडीशन में इस पे हल्का सा मार या तो इस पे आ जाता है या इस पे आ जाता है, और इस कंडीशन में ये साउंड मार देता है. अगर मैं आपको बता दूं इसमें एक हमारी बाल के बराबर भी कहीं डैमेज हो गया तो ये साउंड मार देगा, और ज्यादा डैमेज हो गया तो बहुत ज्यादा गंदा साउंड मारेगा. कभी कभी क्या होता है कि हम इस क्लच बेल असेंबली को खुलवाते हैं और ये प्राइमरी गियर की पोजिशन चेंज होती है. पहले ऐसा था तो पता चला अब ऐसा हो गया, ऐसा लग गया, तब भी हल्का सा साउंड मारता है, पर उस कंडीशन में साउंड ज्यादा दिन नहीं मारता है. 2-3 महीने में साउंड अपने आप चला जाता है या 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर में साउंड चला जाता है. तो कैसे पता करना है, क्योंकि इसका भी सेम साउंड आएगा. जैसा आपका ब्लॉक साउंड कर रहा है, आपका सिलेंडर किट साउंड कर रहा है ना, वैसा ही ये भी साउंड करेगा. तो कैसे पता करेंगे क्लच बेल का साउंड है कि ब्लॉक से साउंड आ रहा है कि पिस्टन का साउंड आ रहा है? तो जब भी आप हल्का सा गाड़ी का क्लच दबाएंगे, हल्का सा क्लच दबाएंगे, अगर वो गड़गड़ाहट वाली जो साउंड है वो अगर कम हो रही है या बंद हो रही है, तो समझ लीजिए ये क्लच बेल का साउंड है. हल्का सा क्लच दबाने के बाद या तो वो साउंड बंद हो जाएगा, या तो वो बहुत कम हो जाएगा, या थोड़ा कम हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपके क्लच बेल में प्रॉब्लम है.
अब देखिए क्लच बेल में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड बनाता है। क्लच बेल के भी कई बार डैमेज होने की वजह से साउंड बनाता है, कई बार इसका इसके अंदर रबर किट लगी हुई होती है, अंदर रबर लगे हुए तो वो खराब होने से साउंड बनाता है। तो इस तरह से इसमें जब बहुत ज्यादा चाल आ जाइए, इस तरह से आगे पीछे होने लगे, तो समझ लीजिए इसकी रबर किट खराब हो गई है, उस वजह से भी साउंड बना रहा है। तो हमें इसकी रबर किट, कई बार क्लच प्लेट की वजह से भी बनाता है, प्रेशर प्लेट की वजह से भी ये बनाता है। तो इसको जब भी आप क्लच ऑपरेट करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि ये जो साउंड बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये क्लच बेल की वजह से बन रहा है। जब भी आप क्लच ऑपरेट करेंगे, हल्का सा दबाएंगे तो साउंड कम ज्यादा होने लगता है, मतलब ये क्लच बेल का साउंड है। तो अभी आप समझ गए हैं, हमने पहले बात कर ली पिस्टन का साउंड और सिलेंडर किट का साउंड, दूसरी बात कर ली हमने बेरिंग्स का साउंड, तीसरी बात कर ली हमने क्रैंक का साउंड, और चौथी बात की हमने हमारे प्राइमरी गियर और क्लच असेंबली के गड़गड़ाहट वाला साउंड। अगर आपको सबसे पहले क्लच दबा के देखना है साउंड कम ज्यादा हो रहा है, तो अपनी क्लच असेंबली खुलवाएं, इसको सही करवाएं, इसका साउंड बंद हो जाएगा, आपकी गाड़ी स्मूथ हो जाएगी। अगर क्लच कम ज्यादा ऑपरेट होने के बाद भी साउंड नहीं जा रहा है, तब तो 100% वो साउंड जो है वो आपके सिलेंडर किट का है, पिस्टन का साउंड है। कई बार क्या होता है कि सिलेंडर किट तो नहीं कटती है, लेकिन पिस्टन कट जाता है या उसके रिंग कट जाती है, तो भी साउंड, तो रिंग बदल दें। इस तरह से रिंग आती है, आजकल शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर पुराना स्टॉक दुकानों में पड़ा है, तो आप लेकर के इसमें लगवा सकते हैं, और या तो पिस्टन रिंग दोनों बदल दें, तो आपके सिलेंडर किट का भी नॉइस चला जाएगा। जो क्लच बेल का साउंड है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्लच प्लेट कैसी होनी चाहिए, इसमें गैप कितना होना चाहिए, कब हमें क्लच बेल बदलना चाहिए, कब नहीं बदलना चाहिए, तो उसमें हम सारी चीज को ब्रीफली कवर करेंगे। और जो गेयर बॉक्स का साउंड होता है, जो गेयर खराब हो जाते हैं और गेयर वाइब्रेट होते हैं और उनकी वजह से जो हमिंग वाला नॉइस आता है, तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे देता हूँ, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि गेयर बॉक्स खराब होने पे कैसा साउंड आता है और कौन कौन से गेयर हमें बदलने चाहिए, गेयर बॉक्स को किस तरह से चेक करना चाहिए। तो वो आपका जो पांचवा गेयर बॉक्स वाला साउंड है वो भी उसमें कवर हो जाएगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपके डिमांड पर मैंने इंजन नॉइस और परफॉर्मेंस के बारे में ये वीडियो बनाया है, इंजन में किस तरह के नॉइस आते हैं और उन्हें कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। शायद होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के नए वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां जान सकें अपने यामा RX 2 स्ट्रोक के बारे में, RX 100, RX 135, RX Z। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को डायग्नोज करें कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, अगर जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है हम उस चीज पे काम करेंगे, तो हमारी गाड़ी का साउंड 100% जाएगा और हमारी गाड़ी भी अच्छी चलेगी, उसका मेंटेनेंस भी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।